गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैंने सुबह आपको चिंतामणि गणपति यानी चिंता को हरण करने वाला और पीढ़ियों तक काम आने वाला गणपति मंत्र बोला हूँ, जो ये 3 दिन में उस सौमाला को पूर्ण करते हैं और मुझसे दीक्षा ले लेते हैं और गणपति को स्थापन करते हैं, उनके घर में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। क्योंकि हम चिंताग्रस्त इसलिए हैं कि कल क्या होगा, इससे अपने को चिंता बहुत बड़ी रहती है। और इसलिए मैंने आपको उस चिंतामणि गणपति का विशेषता विशेषकर बोलते हुए भी मैंने आगे किया। सही बात तो ये है कि हम चिंताग्रस्त तो है ही, निकलने से पहले यहाँ से जहाँ जब तक गुरु जी के पास इस शिविर में बैठे हुए हैं, चिंताएं गेट के बाहर है। जैसे ही यहाँ से गेट पार करेंगे चिंताएं फिर हावी हो जाएगी। अपने को बीवी है, बच्चे हैं, नौकरी है, ये सारी चीजें अपने पीछे पड़ी हुई। क्या इसके पीछे हम क्या समझते हैं कि हमारे पास किसके कारण ऐसा होता है, ये चिंताएं हमें क्यों सताती है? ये हमें ही सताती है और औरों को भी है। तो मैं कहता हूं ये चिंताएं देवताओं को भी छोड़ दी नहीं, देवताओं को भी चिंताएं लगी हुई है। एक बार ऐसा ही हुआ, भगवान इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे, प्रभु ये क्या है, स्वर्ग में रहता हूं, अप्सराओं के साथ सारे सुख है, सब लोग यहां से चाहते हैं कि स्वर्ग को जाएं, हम स्वर्ग को गए तो अच्छा है, सुख सौभाग्य सब मिलता है, ये कहते हैं। लेकिन उसके स्वर्ग के अधिष्ठात्रा स्वयं इंद्र परेशान, इंद्र ब्रह्मा के पास गए और बोले कि प्रभु क्या बताऊं, हर बार कोई ना कोई राक्षस बहुत तपस्या करके आता है और आता है तो पहले मेरे ऊपर ही आक्रमण करता है, पहले अटैक इंद्र पर होता है, उसको स्वर्ग चाहिए होता है और मेरा स्वर्ग वो छीन लेकर ले जाता है, हर बार यही हुआ। ऐसा कुछ उपाय बताओ कि मेरे स्वर्ग पर ये लोग आक्रमण ना कर सके, ऐसा कुछ उपाय बताओ कि मैं इस स्वर्ग में सुख के साथ रहूं। यहां भारत में बहुत सारे लोग ऋषि मुनि अपने देवताओं की तपस्या करते हैं, ये कहते हुए कि मरने के बाद मेरे बाप को स्वर्ग प्राप्त होगा, स्वर्गवासी कहला जाता है। अरे सारे स्वर्ग के लोग तो भागे जा रहे, फिर ये स्वर्ग किस बात का, कौन सा स्वर्ग चाहते हैं, कोई नर्क नहीं चाहता, हर एक आदमी मरा के स्वर्गवासी कहते हैं। अब वो स्वर्ग को जाता है नहीं जाता है बात की बात, लेकिन कहते तो स्वर्गवासी है। स्वर्ग में सुख है, स्वर्ग में सुख प्राप्त हुआ है और उस स्वर्ग के अधिष्ठात्रा जो भगवान इंद्र जी है वो कभी भी किसी के राक्षस किसी राक्षस के तपस्या के कारण हो, किसी शाप के कारण हो, वो हर बार अपने पद को छोड़कर भागते हुए नजर आए। ऐसा क्यों हुआ? और भगवान इंद्र कहते हैं कि मैं देवताओं का राजा हूं, यहां सब लोग कहते हैं कि हम स्वर्ग को प्राप्त करें, फिर भी मैं ही भाग जाता हूं तो उस स्वर्ग में आने वालों का क्या, वो स्वर्ग में आने वालों का कौन सा सुख अनुभव करेंगे? तो हे ब्रह्मा जी कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मैं यहां से भाग खड़ा ना हूं। अब भगवान इंद्र बोले मैं तुझे क्या बताऊं कि उसमें क्या होता है, हर बार ऐसा होता है कि तेरे स्वर्ग का ये स्वर्गवासी रोज लोग जितने भी आते हैं वो लोग यहां से आके स्वर्ग में आ गए तो तेरा स्वर्ग जो है नित्य बढ़ता चला जा रहा है। बोले बढ़ता चला जा रहा है, मैं क्या करूं, आपकी तपस्या से हुआ, वो लोग आ रहे हैं बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें क्या है, ऋषि मुनि आए, देवता आए और मनुष्य आए, जो भी जिन्होंने भी अच्छा काम किया वो लोगों को स्वर्ग प्राप्त हुआ। तो ब्रह्मा कहते हैं कि हे इंद्र मैंने तुझे जो स्वर्ग प्रदान किया था उस स्वर्ग में पारिजात वृक्ष था, उस स्वर्ग में अमृत था, उस स्वर्ग में असुराएं थी, उस स्वर्ग में तपस्या करने वाले ऋषि थे, उसमें तुम्हारे गुरु बृहस्पति थे, देवताओं के गुरु बृहस्पति थे, लेकिन इंद्र तुम समझ नहीं सके। क्या समझता था? तो एक बार क्या हुआ, अप्सराओं का नृत्य हो रहा है और इंद्र बैठे हुए हैं, बहुत जोर शोर से सभी लोग नृत्य कर रहे हैं, आनंद हो रहा है ऐसा ही। उतने में बृहस्पति इंद्र देवताओं के गुरु है वो आए, तो इंद्र इतना लीन था कि इंद्र को देखकर भी अनदेखा किया और अपना काम अपन नृत्यों को देखता रहा। बृहस्पति एक मिनट के लिए देखे और वे पलट कर चले गए। पलट के चले जाने के बाद क्या हुआ, वो सारी सभा कलाविहीन हो गई,
तो इंद्र ने देखा कि कलाविहीन क्यों गए, नृत्य करने वाले थक गए, जैसे ही थे वैसे ही अटक गए, सब लोग हुआ तो इंद्र परेशान हो गया कि क्या हुआ। तब इंद्र को पता चला कि मेरे गुरु आए थे बृहस्पति और वो वहां से लौट कर चले गए। अब फिर उनको कैसा, वो फिर इंद्र वहां से भागे मनाने के लिए। जैसा ही इंद्र बृहस्पति के घर पहुंचे, बृहस्पति वहां से गायब हो गए। वो इंद्र को देखना नहीं चाहते थे, जिसने अपमान किया अपने गुरु का, मैं उसके घर क्यों जाऊं। अब भागते भागते इंद्र अपने गुरु को ढूंढते ढूंढते ब्रह्मा के पास गए और कहा कि प्रभु आप मुझे क्षमा करें, मेरे से गलती हो गई, मैंने मेरे गुरु का अपमान किया है, मेरे गुरु का अगौरव किया है, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरा स्वर्ग कलाविहीन हो गया है, मेरे स्वर्ग में कोई किसी को शक्ति नहीं है, सब कुछ था वो लुट गया, आप कुछ भी करो। ब्रह्मा ने कहा हे इंद्र, ये बार बार का ऐसा होने का कारण ये है कि तेरे पास जो प्रजा जम रही है, प्रजा जो आ रही है नीचे से स्वर्ग को आ रही है, वो जहां जहां तहां बैठ जा रहे हैं। स्वर्ग को मैंने एक सीमा में बांध कर रखा था, एक सीमा में उसका स्वर्ग की एक सीमा थी, उसमें बांध के रखा था, उसमें कुछ स्तंभ थे, उसमें अप्सराएं थी, अप्सराओं को रहने का, देवताओं को रखा, नवग्रहों को रहने का, दिक्पालों को रखने का और पंचमहाभूतों को रखने का, इन सभी का मैंने पूर्ण रूप से एक सुंदर स्वर्ग बनाने के लिए कहा था और इसको विश्वकर्मा ने बांधा था। विश्वकर्मा ने बांधने के बाद यह हुआ कि जब जैसे ही तपस्वी होकर मानव सब स्वर्ग को आने लगे, तो वो स्वर्ग अब उनके जनसंख्या बढ़ने के कारण स्वर्ग से हटकर भी लोग रहने लगे, यानी उसकी सीमाएं बढ़ती गई। तब इंद्र ने कहा प्रभु इसका क्या हुआ, तो उन्होंने कहा तेरे को विश्वकर्मा ने जो वास्तु बांध कर दिया था, वो वास्तु पूर्ण ये लोगों के आने से कहीं नैऋत्य कोण में लोग जाके बैठे, कहीं ईशान्य कोण में जाके बैठे, कहीं बैठे, अब जब जब ये लोग मानव ये वहां से आए और स्वर्ग की सीमाएं बढ़ती गई, तब तक कोई ना कोई दोष उसमें निर्माण हुआ, और जैसा निर्माण हुआ तो या तो गुरु से शापित हुआ या से कोई राक्षसों से तेरे को इंद्र सभा से निवृत्ति करवाने बाहर निकालने लगाया गया, तू पदच्युत हुआ, भागता गया भागता फिरा, ये सारी चीजें कब हो रहे हैं, जबकि यहां से लोग आ रहे हैं और सीमा स्वर्गवासी ज्यादा होने के कारण, स्वर्ग की सीमाएं बढ़ने के कारण ये सारे दुख को तुझे भोगना पड़ रहा है। तो ब्रह्मा ने कहा प्रभु इसमें मेरा क्या दोष, आप सब लोग आशीर्वाद देते हो, आपकी आराधना करते हैं, लोग स्वर्ग को आते हैं, स्वर्ग को आते हैं तो उनको जगह नहीं होती तो जगह बढ़ती ही रहती है, मैं क्या करूं। तब ब्रह्मा ने कहा इसका कोई ना कोई उपाय तो सोचना चाहिए, तू बार बार पदच्युत होता है, बार बार तेरी नौकरी चली जाती है, तेरी स्वर्ग की इंद्र की सभा से तू आगे निकाला जाता है, तेरे से तेरे सुख सौभाग्य सारे चले जाते हैं, पत्नी देवता ये भी भाग खड़े हो जाते हैं इनके भय से, अप्सराएं भी भाग खड़े हो जाती हैं, अब इसके लिए क्या उपाय करें। तब ब्रह्मा ने कहा कि मैं ये तेरी इंद्र सभा जो है इसमें किसी प्रकार का कोई दोष निर्माण ना हो इसलिए मैं कुछ कार्य करता हूं। तो ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि विश्वकर्मा ये जो सीमा बढ़ रही है इसको और क्यों बढ़ाते नहीं, लोग और आ रहे हैं स्वर्ग में, इनके लिए जो लगा लोग जगह क्यों बनाते नहीं। तो कहा प्रभु आपने जो प्लाट दिया था, यानी आपने जो स्वर्ग के लिए जो जगह दी थी उसमें बांध दिया हूं, अब प्लाट बड़ा करो, मैं उसमें भी बांधता हूं, अब प्लाट बड़ा कहां से हुआ, स्वर्ग में प्लाट बड़ा होने का तो समझता नहीं, लोग तो आ रहे हैं। तब इंद्र ने कहा, विश्वकर्मा ने अपनी बात बताई, इंद्र ने अपनी बात बताई, अब ब्रह्मा में बोले इसके लिए क्या करना चाहिए। तब उन्होंने विश्वकर्मा से कहा कि हे विश्वकर्मा, तू जो जिस हिसाब से तूने ये स्वर्ग बनाया है, क्या उसमें और भी लोग आए तो कुछ आगे हमें कुछ करना होता है। प्रभु वो मेरे बस की बात नहीं, अब हम भी देखते हैं, हमारे शेष महाराज है, सब लोग वास्तु के महानिपुण पंडित हैं, तुम इनके पास जाओ तो वास्तु के बारे में बता देते हैं, लेकिन गलती क्या करें, गलती क्या होती है, पत्नी कभी कहती है कि यहाँ क्या सो रहे, पलंग पे हवा नहीं आती, कुछ नहीं आती, एसी लगाओ, एसी लगाए तो बाद में उसकी हवा जाने के लिए एक और एसी लगाने के लिए, जैसे ही एसी लगाई घर में दरिद्रता आ गई, अरे फिर एसी तो लगानी चाहिए नहीं, खिड़की खोले तो ये वास्तु से दोष है, सीढ़ियां अरे चढ़ने के लिए छोटी सीढ़ियां होंगी बड़ी करो वास्तु दोष हो गया, कहीं खिड़की खोलो वास्तु दोष हो गया, कहीं दरवाजा खोलो वास्तु दोष हो गया, अब छत पे से नहीं आ रहे तो छत पे से सीढ़ियां बनाओ या टेढ़ी सीढ़ियां बनाओ तो वास्तु दोष हो गया, अब वास्तु दोष तो जिए कैसा, बहुत पैसा खर्च करके सब कुछ बनाया लेकिन कोई ये गारंटी दे सकता है क्या तुम्हारे घर में ऐसा कुछ नहीं होगा, ये दोष नहीं होगा और तुम सुखी ही रहोगे, ऐसा कभी नहीं हुआ।
तब ब्रह्मा ने विचार किया कि इसको कितना भी करूं, कितने भी नीचे से स्वर्ग को लोग आए और स्वर्ग बढ़ता रहे, बढ़ा तो नहीं सकते और स्वर्ग में आने के लोगों को रोक नहीं सकते, क्योंकि हमने ही पूजाएं बताई है, हमने ही साधनाएं बताई है और ये साधनाएं करने से तुम्हारे पाप जाते हैं और तुम स्वर्ग को आते हैं, हमने ही बताया, ये तो आने से रहे और ये जाने से रहे और इंद्र हर बार पदच्युत होता ही रहे, दुखों का अनुभव करता ही रहे। तब ब्रह्मा ने कितना भी विश्वकर्मा से पूछने के बाद विश्वकर्मा ने कहा, प्रभु कितना बढ़ाओ तुम, अगर जनसंख्या बढ़ रही तो वो लोग आएंगे ही आएंगे, आएंगे स्वर्ग में तो जगह बढ़ाई बढ़ी और जगह बढ़ेगी तो इंद्र का अपने पदच्युत होते ही जाएंगे, इसके लिए कोई दोष, कितने स्तंभों वाला, कितना सब घर, इंद्र और ब्रह्मा में वाद संवाद चल रहा था।